शीट नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 1, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर वो कह रहा है फुटबॉल का प्लेयर है 37 डिग्री पे एक बॉल को फेंक रहा है एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री और वर्टिकल प्लेन में बॉल जा रही है, टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। बस मुझे ये बता दो ये कौन सा समय पूछ रहा है, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला वी साइन थीटा बाय जी में, थीटा को 37 डिग्री, साइन 37, फॉर्मूला रजिस्टर चेक करो, मैंने कहा बहुत पूछा जाता है, तो क्या याद करना है 3/5 वैल्यू पुट करके आंसर। क्या ये पहला फर्स्ट केस क्लियर है? ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो वी पता है, थीटा पता है, जी पता है, आंसर ये स्टेप भी क्लियर है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो नॉर्मली लोग कहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं, वो 37 को यहाँ पुट कर देंगे, फिर वो कहेंगे 2 × 37 मल्टीप्लाई करके बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ, क्योंकि हमें तो वैल्यू पता ही नहीं थी साइन ऑफ 2 × 37 क्या होता है। तो आप बेटर है मल्टीप्लाई ना करें 2 × थीटा को, साइन 2 थीटा को ओपन कर लें। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin θ cos θ। तो थीटा को 37 पुट करके साइन 37 3/5 याद रखना है, कॉस 37 4/5 याद रखना है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों का होगा क्वेश्चन, याद है तो क्लियर है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरे हिसाब से ये फिर से करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में आपने टाइम ऑफ एसेंट निकाला, इस रिजल्ट को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोगों का हो गया? हो गया। देखो वो ये पूछ रहा है कि एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से हमने प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया, 60 पे किया, 0.5 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या थी, ये क्वेश्चन है। देखो 0.5 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन, हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई, यही उसकी पोजीशन है, यानी कि उसने वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया वाई, और एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स। तो अगर मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यू बता दूं, तो इसका मतलब मैंने आपको पोजीशन बता दी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पोजीशन बताने का मतलब क्या बताना, एक्स और वाई की वैल्यू को बताना। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसको कैसे सोचा, तो 0.5 सेकंड पे ये बॉडी कहाँ होगी, क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया सॉल्व करते हुए? क्योंकि हो सकता है ये 0.5 सेकंड पे यहाँ हो, क्या पता ये यहाँ हो, क्या पता ये टॉप पे हो, क्या पता ये यहाँ हो, क्या पता यहाँ हो, मुझे तो पता नहीं कहाँ है ये। मुझे कैसे पता लगा कि डायग्राम यहीं बनाना है, हो सकता है डायग्राम यहाँ भी बनाना हो। तो नहीं, 20 मीटर पर सेकेंड और 0.5 सेकेंड से कैसे पता लग सकता है कि पहले होगा, नहीं पता लग सकता, इन दो वैल्यूज को देख के मैं नहीं बता सकता ये पहले होगा। इसके लिए मैंने अपने मन में कैलकुलेट किया, जरूरत नहीं है, हालांकि आप डायग्राम जहां मर्जी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, पर वैसे आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने इसमें टाइम ऑफ एसेंट निकाल के देख लिया। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है टॉप मोस्ट पे पहुंचने का टाइम, जिसकी वैल्यू वी साइन थीटा बाय जी है, वी पता थी, थीटा पता है, जी पता है, सॉल्व करके आंसर 1.73 आ गया। 1.732 सेकेंड का मतलब है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए समय चाहिए 1.7 सेकेंड, और हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 0.5 सेकेंड, यानी कि ये फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी के अंदर कहीं पॉइंट है, सेकेंड हाफ में पहुंचा नहीं है अभी। हालांकि उसने ये पूछा नहीं कि आप ये कैलकुलेट करके बताओ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे को ना डायग्राम बनाना था, ऐसा मैं सोच रहा था मैं डायग्राम यहां बनाऊं, तो बच्चा पूछेगा सर आपको कैसे पता लगा कि बॉडी यहीं पर पड़ी होगी, या मैं डायग्राम यहां बनाऊं तो ये पूछ लेगा सर आपको कैसे पता कि बॉडी यहां पर पड़ी होगी। तो फिर मैंने क्या निकाला, टाइम ऑफ एसेंट निकाल के देख लिया। तो 0.5 सेकंड तो फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, तो मैंने कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया, ये एक पॉइंट है, और यहां पर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मुझे बतानी है, और ये मान लो वाई है, ये मान लो एक्स। अरे आपने पहाड़ क्यों बना रखा है? सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वाई निकालते हैं। जब y निकालना है
तो कोई भी मोशन की इक्वेशन किस एक्सिस पे लगानी है, वाई पे या एक्स पे? वाई पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है वाई, इनिशियल वाई की वेलोसिटी कितनी है 20 sin 60, तो इनिशियल वाई की वेलोसिटी 20 sin 60, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पर कितनी है वाई, ऊपर जाने में एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है -9.8, और यहां से यहां समय कितना है 0.5। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, आप अप्लाई कर लें एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, एस की जगह वाई, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 20 sin 60, टाइम की जगह 0.5, जी की जगह -9.8 और टाइम की जगह 0.5, सॉल्व करके वाई आ गया। क्या ये स्टेप क्लियर है? कितने लोगों का ये वाई आ गया था? ऐसे ही किया आप लोगों ने, ऐसे ही सोचा कि वाई के लिए जस्ट अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, किसी भी क्वेश्चन में वाई निकालना हो ना, इक्वेशन ही एक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई मतलब दूसरी क्वेश्चन तो मैंने शायद पूरे साइन में यूज ही नहीं की, वाई निकालने के लिए इक्वेशन ही एक यूज होगी, बात ही खत्म। कोई ये सोचे ना सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी क्वेश्चन, भाई इक्वेशन ही एक है, पता तो तब लगेगा ना जब दो में से एक बोलूंगा, जब बोली एक रहा हूं तो एक लगा दो। तो क्लियर है यहां तक? ये वैल्यू आ गई। अब मुझे एक्स भी निकालना है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट, और एक्स की वेलोसिटी क्या है 20 cos 60, तो एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम 0.5 है, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई 5 meter। कोई डाउट है इसमें? उधर से वाई आ गया, इधर से एक्स आ गया, तो पोजीशन पता लगी क्या पोजीशन है। तो कभी भी प्रोजेक्टाइल में पोजीशन पूछे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो, आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल दो, पोजीशन आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या निकालना है, वेलोसिटी बताओ बॉडी की 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी। चलो वापस चलते हैं, तो मुझे यहां पर वेलोसिटी निकालनी है। एक चीज याद रखना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेक्टर गोल नहीं होते, वेक्टर टेंजेंशियल टेढ़े होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई कहे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बोलो सर यहां पर कैसे है, तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। अगर वेलोसिटी यहां पे निकालनी है डायरेक्शन, तो आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, ऐसे आएगा। अगर यहां पे टॉप पे निकालनी है टेंजेंट, क्वेश्चन पूछा आपसे वो नहीं बताया गया, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या होगा टेंजेंशियल होगा। कोई डाउट इसमें? तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल है। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर टाइम टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड है, आपको नेट वेलोसिटी वेक्टर बताना है क्या होगा। तो एक काम करते हैं, जो भी ये वेलोसिटी वेक्टर होगा आपको वी की वैल्यू बतानी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट तो हर पॉइंट पर होते ही होते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा वी एक्स, और एक वाई के अलोंग होगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, तो अगर यहां पर एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 20 cos 60 है, तो यहां पर भी क्या होगा 20। सर आप निंजा थोड़ी देखते हो, निंजा थोड़ी एक्स तो आ गया। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? vx की वैल्यू क्लियर है यहां तक? तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू यहां पर x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर में सेम। सर आपने माइक क्यों बनना प्लेन उड़ाने जा रहे हो? 20 cos 60, 20 cos 60, हेलो हेलो हेलो, 60 a कंपोनेंट आ गया। अब मुझे कौन सा कंपोनेंट निकालना है? vy। vy निकालने के लिए हमेशा की तरह यहां और यहां स्टार्टिंग में और यहां पे मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा v = u + at, तो y कंपोनेंट यहां पर क्या है vy, और यहां पर इनिशियल y कंपोनेंट क्या है 20 sin 60, और यहां से यहां जाने में टाइम क्या लगा 0.5। तो y एक्सिस के अलोंग, y के अलोंग इक्वेशन अप्लाई कर दें, इनिशियल वेलोसिटी पता है 20 sin 60, फाइनल वेलोसिटी vy निकालना है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, अप्लाई करें v = u + at, तो vy इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, सॉल्व करके वी वाई मैंने निकाल दिया 12.42 आ रहा है। इतना ही आ रहा है सबका जिन्होंने सॉल्व किया 12.42। अब देखो ना, आपको इस क्वेश्चन में जहां वो मैंने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के अंदर जहां वो डायग्राम बनाया था, यहां कहीं था, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट हैं, वी एक्स है और वी वाई है, तो यहां पर वी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, वी एक्स और वी वाई 90 डिग्री पे है, तो वी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर, तो वी की वैल्यू आ गई। आपको इस क्वेश्चन में वी एक्स तो पता ही है, कॉन्स्टेंट ही है, वो तो शुरू से ही पता है, वी वाई की वैल्यू आपने निकाल ली 12.42, तो यहां से वी एक्स
पता है, वी वाई पता है, सॉल्व करके नेट वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? कहीं भी प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी हो तो भूल जाओ, आपको 2D मोशन में सीधी कोई क्वेश्चन नेट वेलोसिटी देगा कभी नहीं मिलेगी। आपको पहले Vx निकालना पड़ेगा, आपको Vy निकालना पड़ेगा, और फिर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और हमने वेक्टर किया भी तभी था ताकि यहाँ पर हमें दिक्कत ना हो। मैं आपको यहाँ समझाने में टाइम ख़राब नहीं कर सकता कि देखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होते हैं, वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Vx एंड Vx। फिर मैं आपको पैरेललोग्राम लगाना सिखाऊँ यहाँ पे। तो वेक्टर का काम ही ये था कि अगर आपको Vx और Vy 90 डिग्री पे मालूम है, आप एक सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे निकाल सकें। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन वेक्टर के नहीं आने वाले। अगर आप सोचो कि वेक्टर में मास्टरी होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ ना होगा, बस उतना ही आरामदायक जीवन आपका यहाँ पर प्लस वन में हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को ठीक सही तरीके से, आपको बर्डन नहीं फील होगा जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। मैं आपको 2 साल के लिए वेक्टर रोज़ यूज़ होना है, तो वेक्टर के ये छोटी छोटी चीज़ें वेक्टर की यूज़ होती रहेंगी। बहुत हार्ड वेक्टर्स नहीं यूज़ होते, नॉर्मल वेक्टर्स यूज़ होते हैं, पैरेललोग्राम ज़्यादा यूज़ होता है। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट, कितने लोगों का ये हो गया? हाँ, ये ज़्यादा लोगों का हुआ होगा क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी है? 10। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पता है यू, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है एंगल निकालना, किस एंगल पर वेलोसिटी को रखा गया। तो सिंपल है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, पुट कर दो, यू पुट कर दो, जी पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा 0.25, साइन थीटा जो है हाफ आएगा, साइन थीटा हाफ का मतलब थीटा 30 डिग्री आंसर आए। कुछ भी नहीं करना, मैक्सिमम हाइट से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के थीटा निकालना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक लग रही है असाइनमेंट, इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट। एक बुलेट को फायर किया जा रहा है गन से विद अ वेलोसिटी ऑफ 140। देखो मेरी आदत है, मैं डायग्राम हमेशा बनाता हूँ, मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ना चाहता। 140 पता है, और वो कह रहा है कि उसी लेवल पर जाके वो हिट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डिस्टेंस दूर का मतलब ये रेंज है, रेंज 1000 मीटर है। आपको एंगल बताना है इसमें क्या होगा, सही है? रेंज का फॉर्मूला पता ही है आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज में पुट कर लो 1000, यू पुट कर लो, जी पुट कर लो, साइन 2 थीटा हाफ आएगा, हाफ क्या 0.5 आएगा, मतलब हाफ है सर, तो साइन ऑफ कोई एंगल हाफ कब होता हो गया, आपने आंसर नहीं दिया। 30, तो 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा, 30, तो थीटा क्या आएगा, 15। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड हिट्स द ग्राउंड 6000 मीटर अवे। तो 6000 मीटर क्या गिवन है प्रोजेक्टाइल की रेंज, ग्राउंड का डिस्टेंस इज रेंज। कह रहे ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था, बिना वेलोसिटी चेंज किए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करते हुए क्या आप 10 किलोमीटर के टारगेट को हिट करवा सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पहले काम करते हैं, रेंज 6000 है, रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, 6000 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी में, रेंज को पुट किया, जी पुट किया, थीटा 15, 2 × 15 = 30, सॉल्व किया, सॉल्व करके यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर 12000 आ गया, और यू स्क्वायर आ गया तो यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो यू की वैल्यू आ जाएगी। पहला केस क्लियर है? तो पहले हमें रेंज क्या गिवन है, 6000 गिवन है, और हमने इसको सॉल्व करके यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। कई लोग क्या करते हैं, देखो उनकी गलती भी नहीं है, वो मानते हैं कि चलो फर्स्ट केस में ना यू निकालने के लिए हमें कहा गया होगा तभी ये वैल्यू गिवन है, तो यू निकाल लेते हैं, अपने 2-3 मिनट खराब कर बैठेंगे और फिर क्वेश्चन भी गलत कर लेंगे। कैसे? यू स्क्वायर निकाल के पहले यू निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 1200000, अंडर रूट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पहले यू निकालेंगे और फिर पछताएंगे, ओ यार यू क्यों निकाला, अगले क्वेश्चन में यू स्क्वायर तो चाहिए था, निकालने का फायदा क्या हुआ। तो ध्यान से, ज़्यादातर इन टाइप के क्वेश्चन में यू मत निकालें, यू स्क्वायर तक रखें, क्योंकि फॉर्मूले में यू स्क्वायर चाहिए होता है, यू नहीं चाहिए होता, तो आपकी क्या आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा यू स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, वो पूछ रहा है कि क्या ये प्रोजेक्टाइल 10 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर पाएगा, हाँ या ना। तो तुम एक काम कर लो, इसकी मैक्सिमम रेंज निकाल लो,
दूर से दूर ये कितना हिट कर सकता है निकाल लो। तो मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा 45। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर हमारे पास है जी से डिवाइड करके, कितना आ गया 12 किलोमीटर आ गया। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल 12 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर तो कर ही पाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, यस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कैसे क्या लॉजिक्स हैं ये समझ में आ रहे हैं यहां तक। नेक्स्ट है, क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। किया था हमने ये, क्रिकेटर 160 मीटर मैक्सिमम दूरी पर बॉल को फेंक सकता है। ये क्या गिवन है, ग्राउंड का डिस्टेंस, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी होती है, ये 160 है। तो यहां से क्या आ गया, वी स्क्वायर या यू स्क्वायर आ गया। तो पहला केस तो सिर्फ इसलिए गिवन है ताकि आप वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल सकें। यहां तक क्लियर है? अब वो ये कह रहे हैं कि वो क्या फेंकना चाहते हो आप, इसको मैक्सिमम वर्टिकल हाइट देना चाहते हो, मतलब ऊंचाई देना चाहते हो। तो यार अगर ऊंचाई पे फेंकना है तो ऐसे क्यों फेंकना, फिर तो सीधा ही ऐसे फेंक दें। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट अटेन करवानी है, वर्टिकल हाइट अटेन करवानी है, तो आप यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या रखेंगे, 90। तो यानी कि 90 डिग्री ऊपर फेंकेंगे। तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में थीटा की जगह 90, साइन 91 है। वी स्क्वायर बाई जी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 160, वी स्क्वायर बाई जी की जगह 160 बाई 2 कितना आ गया, 80। कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, सही है। तो ये लास्ट असाइनमेंट जैसा ही क्वेश्चन है, कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, हो गया? ठीक है, सही है, समझ पा रहे हो प्रोजेक्टाइल। आज हम ठीक कैसे अमेज़न फॉरेस्ट में आए हैं, फुटबॉल इज किक्ड एट 20 मीटर पर सेकंड, प्रकार के जानवर देखने को मिल रहे हैं। रिसीवर जो है, जो कैच करेगा, वो गोल लाइन से 25 मीटर दूर है इन द डायरेक्शन ऑफ द किक। किक कहां से लग रही है, यहां से 25 मीटर आगे का मतलब ये बंदा यहां खड़ा है, कैच करने के लिए तैयार खड़ा है 25 मीटर आगे। जैसे किक लगी, इस मैन ने भागना शुरू कर दिया कैच करने के लिए, ठीक है, और इसने इसको कैच कर लिया। तो बताओ अगर ये मैन ने भाग के इसे कैच किया विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बॉल में और मैन में क्या चीज कॉमन थी, डिस्टेंस कैसे हो सकता है? बॉल ने तो आर डिस्टेंस कवर किया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम, फुटबॉल जितनी देर में यहां से यहां आएगी, यानी कि कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, उतनी देर में ये मैन यहां से यहां भाग जाएगा इन सेम टाइम कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम। ठीक है यहां तक? बताओ फुटबॉल ने ग्राउंड के अलोंग डिस्टेंस कितना कवर किया, फुटबॉल ने ग्राउंड के अलोंग डिस्टेंस कितना कवर किया, हॉरिजॉन्टल आर। फुटबॉल ने यहां से यहां जाने में जमीन पे डिस्टेंस कितना कवर किया, आर। तो मैन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, आर माइनस 25। सही है? तो फुटबॉल का ग्राउंड का डिस्टेंस आर, मैन का ग्राउंड का डिस्टेंस 25 कम, आर माइनस 25। कोई डाउट इसमें? तो फुटबॉल का आर की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो इसमें यू पता है, वैसे ये लगाने की जरूरत नहीं थी, यू स्क्वायर बाई जी लगा देता, क्योंकि फुटबॉल को 45 डिग्री पे फेंका गया है, तो रेंज मैक्स है। तो रेंज मैक्स में साइन 90 पता ही है, वन आने वाला है, तो यू स्क्वायर बाई जी लगा के, यू स्क्वायर बाई जी से आंसर 40.81 है। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई, 40.81। तो फुटबॉल ने ग्राउंड का डिस्टेंस 40.81 कवर किया, कितनी देर में किया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, u पता है, थीटा पता है, 45 डिग्री, सॉल्व करके टाइम क्या गया, 2.88 सेकेंड। तो ये स्टेप क्लियर है कि फुटबॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, r, कितने समय में कवर किया, कैपिटल t। ये स्टेप क्लियर है? तो टाइम भी आ गया फुटबॉल का और r भी आ गया। अब एक काम करते हैं,
मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो भी फुटबॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसमें से 25 को माइनस करके मैन का डिस्टेंस आ गया 15.81 मीटर, तो मैन का डिस्टेंस 15.81 मीटर आ गया, सही है यहां पर। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मूव कर रहा है, तो मैन के लिए इक्वेशन क्या लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15.81, मैन की वेलोसिटी क्या है वी, और फुटबॉल का उड़ने का टाइम क्या है कैपिटल टी। तो मैन का डिस्टेंस पता है, मैन की वेलोसिटी वी, टाइम फुटबॉल का हमें पता है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या मेथड है इसमें, कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ये तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया? यहां पे एंगल वर्टिकल के साथ लिया, नहीं लिया, हॉरिजॉन्टल से ले लिया, आंसर 19 किसका फर्क है, आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। देखो, बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, चला के कर गया थोड़ी सी, और हमने सारे क्वेश्चन किसके साथ किए हैं, मैंने भी गलती 60 लिख दिया, देखो मैंने भी मिटाया फिर से, तो मैंने भी यहां 60 करके 30 किया बाद में, ठीक है। हाँ मतलब कुछ ना करो, आप 30 ले लो, का बात ही खत्म करो। और वो ये कह रहा है कि वो कितनी दूर जाके प्रोजेक्टाइल गिरा, 2 किलोमीटर का मतलब उसकी रेंज है 2000 मीटर, क्या निकालना है, 45 डिग्री। वो कह रहे हैं कि अगर 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो रेंज क्या होगी, 45 डिग्री का मतलब, 45 डिग्री का मतलब रेंज मैक्स है, और रेंज मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा सेकंड केस में, यू वी स्क्वायर बाई जी, पर अपने को वी तो पता ही नहीं, केस नंबर वन से पहले वी निकलेगा फिर सेकंड में यूज करेंगे, चलो वी निकालते हैं। पहले केस में रेंज 2000 है, 2000 वी स्क्वायर साइन 2 × 30/g, पता लग रहा है साफ कि मैंने भी कहीं गलती की थी, पहले 60 के साथ क्वेश्चन किया हुआ है तो मैंने मिटा के 30 किया हुआ है, तो 30 करके 2 × 30 60, √3/2, यहां से सॉल्व करके √3/2 एक तरफ, वी स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने वी स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई जी निकाल लिया, क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है यहां तक। अब सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर मैं एंगल 45 डिग्री कर दूं तो रेंज क्या होगी, वी स्क्वायर बाई जी, क्योंकि मैक्स 45 डिग्री पे रेंज क्या होगी मैक्स, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर बाई जी, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगा लेना, इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी सेम ही होता है वी स्क्वायर बाई जी, और यही रेंज मैक्स है, 2.30 किलोमीटर के आसपास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ, कैसे किया, कोई हिंट? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हिट हिट कर लिया आपको, इतना हिट कर गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगेगी तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता के नहीं आते कि अब मैं लगने वाली हूं, तो आप फॉर्मूला ये लिख लो, ये अप्लाई करना आपके हाथ में है, कोई लगा पाता है कोई नहीं लगा पाता, कभी कभी मैं भी लगा नहीं पाता, तो
तो मेरे पास दो मेथड हैं, याद आ गई तो बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं आई तो एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, जैसे मैं नॉर्मली कर लेता हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन है कि पर्सन ऑब्जर्व्स अ बर्ड ऑन अ ट्री 39.6 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 59.2। कितने लोग ये एग्री करते हैं एच ऑफ एम है, एच ऑफ एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, हाँ या ना, हाथ खड़ा करो। मतलब तुम्हारा जो पंछी है जिसको मारना है वो मतलब नीचे नहीं बैठेगा, तुमने उसको टॉप पे बिठाना है। ये कैसा शिकार करने जा रहे हो यार, पर तुम कह रहे हो कि मैं बंदूक लेके पंछी को मारूंगा और वो बिल्कुल टॉप पे यहीं बैठा था यार, ये लो एंगल पे मार दिया मैंने, और अगर वो ना होता तो बुलेट और ऊपर चली जाती। तभी तो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, देखो डॉट 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 और ऊपर जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी मैक्सिमम हाइट नहीं है, तो तुमने कैसे ले लिया। मतलब कोई भी हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, तुम ये मानते हो कि और हमें कुछ आता नहीं मैक्सिमम ही होती होगी, गलत। तो आपने ये मैक्सिमम हाइट नहीं लेनी जब तक उसने नहीं बोला। तो पहली गलती ठीक है, समझ में आ रहा है, पहली गलती है नहीं करनी, उसने बोला नहीं बोला, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बर्ड यहीं पे मैक्सिमम हाइट पर ही बैठा होगा कि गोली लगते ही अगर मतलब यहाँ से प्रोजेक्टर नीचे ही आएगा, नहीं आएगा, ऊपर जा रहा था रास्ते में बर्ड आ गया। तो इसलिए मैंने H लेने की बजाय इसको Y मान लिया, तो जो H नहीं होते वो Y हो जाते हैं, क्योंकि Y तो एक कॉमन टर्म है ही वर्टिकल डिस्टेंस को, तो ये Y है और ये X है, ये U है, ये 45 है। पूरे चैप्टर में एक ही केवल फॉर्मूला है, ओनली वन फॉर्मूला, जो U को थीटा को Y को और X को रिलेट करता है, और वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसमें Y भी आता है, जिसमें X भी आता है, जिसमें U भी आता है और जिसमें थीटा भी आता है। अगर तो ये हिट कर गया, लोगों को क्यों हिट कर जाता है कि हाँ ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री लगेगी, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें इकट्ठी गिवन है, वाई भी और एक्स भी, तो इसलिए लोग रिलेट कर पाते हैं कि अगर वाई और एक्स इकट्ठा गिवन है तो ट्रेजेक्ट्री ही लग सकती है। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखो, वाई 39.6 है, एक्स की वैल्यू 59.2 है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, एक्स की वैल्यू हमें पता है, थीटा हमें पता है, यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लेना यू आ जाएगा, आपको यू निकालना यू आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ में आ रही है कि कैसे यूज की जा सकती है, जब इकट्ठे एक साथ ही वाई और एक्स गिवन हो, और खासकर तब जब वाई मैक्सिमम हाइट ना हो, फिर तो पक्का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही लगेगी, क्योंकि वाई निकालने का फॉर्मूला ही एक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने देखो ये वैल्यूज को पुट किया, फिर मैंने इस पूरी टर्म को इधर लेके गया, इस टर्म को उधर लेके गया, 10.45 वन किया, इन दोनों को माइनस किया, यहाँ से सॉल्व करके यू स्क्वायर निकाला और मेरी यू स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, यू स्क्वायर आया तो यू भी आ गया। ऊपर ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 19.6 इधर ले आए, यू स्क्वायर इधर ले गए, तो यू स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर का अंडर रूट लेके 41.86 आ गया। मत समझना कि मैं बहुत जीनियस हूँ, मैंने कैलकुलेटर से किया है। हाँ कहीं सोचो कि सर बैठ के यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड भी अंडर रूट ले लेते हैं, मैं नहीं करता, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना भी है, तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मुझे अलाउड है। तो मैंने आंसर गलत ना हो, मैं क्लास में झगड़ा नहीं चाहता, सर ये आ रहा था वो आ रहा था, ये बिल्कुल सही है, तो यही आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने वेरीफाई किया हुआ है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। चलो आपको इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री का नहीं मालूम पड़ा, ख्याल ही नहीं आया, अच्छा ट्रेजेक्ट्री नाम की कोई चीज़ ही लगती थी, पता ही नहीं, कोई बात नहीं, मत करो ये मेथड वन, मेथड टू लगा लो। मेथड टू है, आप बस ये बताओ कि मान लो ये बुलेट यहाँ से आने में यहाँ आने में कितना समय लगाती है, टी राइट, और एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी क्या है, u cos 45, और यहाँ पर क्या है, u sin 45। तो x एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर किया बुलेट ने, 59.2 इज u cos 45 इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 59.2 डिवाइडेड बाई u इंटू cos ऑफ 45। तो देखो मैंने कोई ट्रेजेक्टरी यूज नहीं की, मैंने तो एक्स की इक्वेशन यूज की, एक्स की तो हमेशा ही एक इक्वेशन रही है, एक्स इक्वल टू वी टी,
टाइम आ गया। फिर एक बार बताओ वाई का डिस्टेंस आपको पता है, तो वाई एक्सिस में आप क्या करें, 39.6 यानी कि वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू इंटू साइन ऑफ 45 वाई एक्सिस है, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से टाइम की वैल्यू को निकालो और यहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वैसे इक्वेशन ट्रैजेक्टरी का प्रूफ ही तो था ये, आज पेपर में आनी है प्रूफ करने को इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी में यही तो आप याद करके आए हैं कि पहले एक्स में इक्वेशन लगाओ, टाइम निकाल लो, फिर वाई में पुट कर दो। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद कर सकते हैं तो थोड़े दो स्टेप छोटे हो गए, नहीं तो फिर करते रहो डेरिवेशन, एक्स में लगाओ इक्वेशन, वाई में लगाओ आंसर। कोई डाउट इसमें? तो ट्रैजेक्टरी क्लियर है? अच्छा, कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया? क्या बात है यार, कमाल ही कर दी फिर तो यार। ठीक है, देखो कैसे किया फिर ये भी बताओ। ये प्रोजेक्टाइल सीधा नीचे गिरा, तो आपने पहली और दूसरी क्वेश्चंस क्या लगाई? पहले आपने क्या किया, पहले वाई एक्सिस लिया आपने कि एक्स लिया? एक्स लिया। एक्स में इक्वेशन क्या लगाई, एस इज इक्वल टू वी टी, वहां से क्या निकाला, टाइम निकाला। फिर वाई एक्सिस में क्या इक्वेशन लगाई, मोशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, आ गया। उसके बाद आंसर आ रहा है आपका, इससे पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम निकाला, सिर्फ इतना टाइम निकाला। पूरे का कैसे निकाला, एस इक्वल टू वी टी से। अच्छा सही है, ये भी सही है। मैं आपको इससे भी आसान से करता हूं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, यही वाला बता रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने ऐसे ही किया, इसे प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, लेकिन टॉप ऑफ द टावर से फेंका गया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं है, टावर के ऊपर प्रोजेक्शन है 30 डिग्री पे। हमने जबकि टावर के ऊपर हॉरिजॉन्टल बॉडी को हमेशा फेंका, ये कह रहे टावर भी होगा और 30 डिग्री भी होगी, तो ये लो ये क्वेश्चन है। और कितनी वेलोसिटी से, 10, तो इसके दो कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी के, 10 cos 10 sin। तो ये प्रोजेक्टाइल गया नीचे, ग्राउंड तो मिला नहीं, तो सीधा नीचे आके यहाँ गिर गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.3। क्वेश्चन में गिवन है आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, ठीक है यहां तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सिर्फ ये बताओ कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम, वो तो चेंज नहीं हो सकती। तो 10 cos 30 10 cos 30 10 cos 30, ये प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल में ग्राउंड पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में, 17.3। एक्स एक्सिस पे आप इक्वेशन लगा सकते हो x इज इक्वल टू वी टी, पूरी जर्नी में 17.3 ही डिस्टेंस कवर हुआ, तो आप x की जगह लगा सकते हो 17.3। वेलोसिटी कितनी, 10 cos 30, और टाइम कितना नीचे गिरने का, t। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड, ये पूरा प्रोजेक्टाइल टावर से लेके ग्राउंड तक 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर गया। कोई डाउट इसमें? तो इक्वेशन x एक्सिस का डिस्टेंस पता है, x की वेलोसिटी पता है, और जर्नी का टाइम आ गया। कोई डाउट इसमें? टाइम आ गया। अब हमने एक कॉन्सेप्ट मोशन में किया था, अगर आपको याद हो, मोशन में यह सिखाया था कि अगर बिल्डिंग से टॉप पे खड़े होके किसी बॉल को ऊपर फेंकें और बॉल नीचे गिरे और आपको एक ही गो में टाइम निकालना हो, तो आप वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो, सीधा एक गो में टाइम आएगा। सेम क्वेश्चन है, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाने की कितनी है, 10 sin 30, तो आपका प्रोजेक्टाइल वर्टिकल 10 sin 30 से चलेगा और नीचे गिरेगा, और कितनी देर में, 2 सेकंड में, हमें पता लग चुका है। हाँ ठीक है, जर्नी ऐसी नहीं होगी, तो मोशन का चैप्टर याद करवा रहा हूं मैं। तो आप सीधा अप्लाई करो, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, एस यानी कि एच आपको निकाल लें,
वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या लेनी होती है ऐसे केस में? नेगेटिव। जब आप टावर के ऊपर खड़े होकर ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी, और कौन सी? वर्टिकल कॉम्पोनेंट। हॉरिजॉन्टल का इसमें कोई काम नहीं है। तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट में -10 sin 30 और टाइम 2 सेकेंड, क्योंकि पूरी जर्नी 2 सेकेंड में कवर हो रही है, हाफ जी टी स्क्वायर से हाइट आ जाएगी 10 सीधा। मतलब आपने तो फिर टाइम को माइनस किया, मैंने तो टाइम भी माइनस नहीं किया, एक ही गो में आंसर निकाल दिया। ये भी ठीक है, आपके वाला भी ठीक है। आपने जर्नी को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, पहले पूरा लिया, फिर रेंज वाले फॉर्मूले से टाइम निकाला, फिर बचा हुआ टाइम आया। ये भी सही है, कर सकते हैं। मतलब मैंने एक चीज़ की है, देखी है कि आज के बाद इस टाइप का जो कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा शॉर्टकट है, क्योंकि एक, हाँ वो बात अलग है, अब तो बहुत बार कर लिया ये, ठीक है तोड़ के कर लो। ये कह रही है कि इसने क्वेश्चन ऐसा किया है, इसने पहले x=vt से पूरा टाइम निकाल लिया, फिर इसने क्या किया, फिर इन्होंने सिर्फ इतना पार्ट ऑफ ले लिया, ये पार्ट लिया ये वाला, यहां से यहां जाने के समय को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम 2 सेकेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? कैपिटल टी, वन आ गया, ओके वन आ रहा है, 2v sin θ/g से। तो फिर इस जर्नी का टाइम आ गया कितना? 1 सेकेंड। फिर हाइट कैसे निकाली, वेलोसिटी क्या ली? फिर आपने वो रूल लगाया जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब ये प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो 10 sin 30 यहां वेलोसिटी है, तो यहां पर भी वेलोसिटी क्या होती है? 10 sin 30 होती है। यार ये बताया था ना, ऐसी था कि जो डायग्राम यहां बनता है वही डायग्राम यहां बनता है। फिर वो कह रही है कि मैंने तो सीधा एच लगा दिया, क्योंकि नीचे आने का टाइम अब कितना है? 1 सेकेंड है। तो ut + ½at² में यू क्या ले लिया? 10 sin 30, तो भी आंसर सेम आ गया, कर लो। फिर नेगेटिव साइन का चक्कर खत्म है आपके लिए, आप सीधा बस सीधे रास्ते से आंसर निकाल लो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कैसे भी कर लो, एक ही बात है, पता दोनों होने चाहिए। देखो अब फिजिक्स में खास बात यह है कि आप कैसे भी सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले छोटे चैप्टर थे ना ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही सोचना है, टीचर कहता नहीं ऐसे ही करना है, बच्चा भी कहता है ऐसे ही करना है, अभी नहीं है। तुम कैसे भी तोड़ लो, इसे ब्रेक कर लो। अब 1D नहीं, अब 2D है, 2D को कैसे भी कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कितने लोगों का ये प्रूफ हो गया? प्रूफ तो आसान था, तो आपको ये प्रूफ करना है। इस प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2v sin θ/g पुट कर दो, और राइट साइड पे r का मतलब रेंज है, v²sin 2θ/g पुट कर दो, फिर लेफ्ट साइड पे इसको स्क्वेयरिंग कर दो, और स्क्वेयरिंग करके g से g कैंसिल, ये टर्म आ गई। राइट साइड पे tan को sin/cos कर दो, cos से cos कट गया, आंसर आ गया। लेफ्ट और राइट क्या हो गया? बराबर हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? इसे कैसे डिवाइड किया जी और आर को? चलो कितने लोगों को ये समझ में आ गया क्या केस था? ये वही केस है, प्रोजेक्टाइल को थीटा पे या 90 - θ पे फेंको, रेंज रिमेंस सेम। वो यही तो बोल रहा है, पहले मैंने प्रोजेक्टाइल को अल्फा पे घेरा तो ये रेंज है, फिर बीटा पे घेरा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का सम क्या है? 90, तो बीटा क्या है? 90 - α। तो अगर यानी कि अल्फा पे घेरो या 90 - α पे घेरो, रेंज सेम रहेगा। मैंने प्रूफ भी करवाया था, जब पहले अल्फा पे घेरो फिर 90 - α पे घेरो, इसे मल्टीप्लाई करके 180 - 2α, और साइन ऑफ 180 - 2α अगेन साइन अल्फा, तो आंसर क्या आएगा? रेंज का सेम आएगा। इसको तो क्या ही करेंगे, तो पता ही है कि रेंज सेम ही आनी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक?
कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया? वो ये कह रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40, आफ्टर 2 सेकेंड इट क्रॉसेज अ वर्टिकल पोल 20.4. कितने लोगों को ये समझ में आता है ये मैक्सिमम हाइट है? तो सही समझ में नहीं आता क्योंकि पोल हमेशा मैक्सिमम पे होगा, ये पता नहीं, एक खम्बा था वो मेरे सामने यहाँ खड़ा कर दिया, अब मैंने यहाँ से प्रोजेक्टाइल चलाया तो देखो इसको टच करता हुआ और आगे चला गया, उसने बोला ही नहीं मैक्सिमम हाइट, तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको हमेशा लगेगा ये मैक्सिमम हाइट ही है, मत सुनना, पढ़ लेना क्या ये मैक्सिमम हाइट लिखा है, नहीं लिखाना मत लेना, वाई ले लेना, और स्पेशली जब शिकार करने जाओ तब तो बिल्कुल मत लेना, बर्ड कहीं भी बैठा होगा, और पोल भी हमेशा मैक्सिमम पे होगा ये कोई गारंटी नहीं है, तो ये वाई है, ठीक है। तो ये देखो ना, मैं जानबूझ के आगे बनाता हूँ ये शो करने के लिए कि देखो ये आगे और ऊपर जा रहा है, तो ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। तो किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड से चला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखी, तो यहाँ पे 2 सेकेंड पे इसको टच करता हुआ जाता है, इट क्रॉसेज अ पोल, तो हाइट 20.4 है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज। अब मुझे तो वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस पता है और वाई के अंदर मेरे को तो एक ही क्वेश्चन लगानी आती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आपको ये वाई पता है, 40 के तो कॉम्पोनेंट पता है, तो डिस्टेंस वाई की जगह 20.4, इनिशियल वेलोसिटी वाई की क्या है 40 sin θ, टाइम टेकन यहाँ से यहाँ कितना है 2 सेकेंड है, हाफ माइनस 9.8 इंटू 2 स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आएगा sin θ, sin θ से सॉल्व करके क्या आएगा थीटा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक ही क्वेश्चन लगानी है, आंसर आएगा। तुक्का बढ़ गया है बता रहा हूँ आपका। ठीक है, अच्छा रेंज भी निकालनी है, तो यार रेंज का फॉर्मूला लगा लेना, v² sin 2θ / g, थीटा आपको पता ही है 30 डिग्री है, साइन ऑफ 60 पता है आपको, v आपको पता है, g आपको पता है, आंसर आएगा। ठीक है, कितनों का ये क्वेश्चन हो गया? देखो अगर वो हो गया तो ये भी हो गया, और अगर वो नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ, क्योंकि एक जैसी तो है, सेम ही तो है, ब्रेक करके किया फिर से, ठीक है मैंने ब्रेक करके फिर से नहीं किया, मैंने एक ही बारी में कर दिया फिर से। कैसे? क्वेश्चन है कि एक टॉप ऑफ द टावर से फिर एक एंगल 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया 39.2, प्रोजेक्टाइल सीधा नीचे लैंड हुआ, आपको क्या बताना है? फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फुट ऑफ द टावर है और ये ग्राउंड है, इनके बीच में दूरी क्या है ये आपको बताना है, ये दूरी आपको बतानी है, कोई डाउट इसमें? ठीक है आता, तो ये दूरी आपको बतानी है, 39.2 के दो कंपोनेंट है, 39.2 cos, 39.2 sin, ठीक है यहां तक? तो उस क्वेश्चन, और हाइट आपको पता है टावर की, उस क्वेश्चन में उल्टा था, ये निकालना था और ये गिवन था, इसमें ये निकालना है ये गिवन है, कोई बात नहीं, काम करो, आप पहले मुझे ये बताओ ये बॉल यहां कितने समय में आई, इसके लिए मोशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करो, कि मोशन के अंदर हमने किया था ये टावर है, ऊपर जाने की वेलोसिटी कितनी है 39.2 साइन ऑफ 30, तो यहां पे आके बॉल गिरेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी ये लेते हुए हाइट आपको पता है 156.8 है, तो आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में u को नेगेटिव पुट कर दें तो एक ही गो में टाइम आ जाएगा, ये देखो h या s माइनस ut हाफ 80 स्क्वायर, तो ये चेक कर रहे हो, यहाँ पे सीधा हाइट पुट की, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी लिया माइनस में इनटू टी प्लस हाफ इनटू जीटी स्क्वायर। हाँ मेरे मेथड में एक प्रॉब्लम ज़रूर है इसमें, अरे क्वाड्रेटिक बन गए टी स्क्वायर और टी में, क्या तुम्हारी भी क्वाड्रेटिक बनी? फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ठीक है,
क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी है, फिर आपकी क्या करें, अपनी कर लेंगे सॉल्व, या तो बिना क्वाड्रेटिक की वो बात भी है। तो क्वाड्रेटिक बन गई इसको, ये वाली टर्म एक तरफ, ये एक तरफ, ये एक तरफ, ये एक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दो रूट आएंगे, -4 और 8, माइनस होगा नहीं, टाइम 8 सेकेंड आया हुआ है, मैंने सॉल्व नहीं किया, सीधा नोट किया हुआ है। तुम जैसे भी करो, तुम्हारा मैथ मैथ अपना अपना, जैसे मर्जी करो, बट टाइम निकाल देना, 8 सेकेंड आएगा। मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया, पर देख के घबरा गया मैं, कहा यार क्वाड्रेटिक कौन सॉल्व करेगा, सीधा नोट कर देता हूँ 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 8 सेकेंड आ गया। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरी जर्नी में कितनी है, 39.2 cos 30, और आपको डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल निकालना है, BD। तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल पता है, अब तो आपको टाइम भी पता है 8 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, S इज इक्वल टू VT लगा के टोटल टाइम डिस्टेंस आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पहले आपने वाई एक्सिस से टाइम निकाल लिया, एक्स एक्सिस में अप्लाइंग S इज इक्वल टू VT से टाइम की वैल्यू पुट करके एस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ठीक, कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया? बॉडीज हैं, किसी ने एक बॉडी को 60 डिग्री पे U1 से प्रोजेक्ट किया और दूसरे बंदे ने U2 से उसी टाइम पे प्रोजेक्ट किया और दोनों की टक्कर हो गई। तो जब इकट्ठे चले, क्या चीज दोनों में कॉमन है? टाइम। टाइम 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 मतलब जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा। सही है, कोई डाउट इसमें? एक और चीज कॉमन है, डिस्टेंस। कौन सा? वाई का। वाई का, वाई का कैसे? क्योंकि इसने भी वर्टिकल में वाई डिस्टेंस कवर करना है और इसने भी वर्टिकल में वाई ही डिस्टेंस कवर करना है। सही है, कोई डाउट इसमें? अच्छा बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि आप इस बॉडी, जो पहली बॉडी है U1 वाली, यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना है वाई, तो आप यहां से यहां आने में वाई निकाल सकते हैं। तो आप क्या अप्लाई करेंगे? y s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की जगह कितना, U1 sin 60 इंटू t टाइम माइनस हाफ gt स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है मुझे फर्स्ट बॉडी की, तो मैंने क्या अप्लाई कर दिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, के अंदर एक्सलेशन की जगह कितना, माइनस g, इनिशियल वेलोसिटी पुट की, y आ गया। सेकेंड बॉडी के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, ut, बस ये तो सीधा u है, माइनस हाफ gt स्क्वायर। फर्स्ट बॉडी के लिए भी s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड बॉडी के लिए भी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 साइन 60 है, सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, क्योंकि वो ऑलरेडी y एक्सिस में है। इन्हें इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये देखो ये किया हुआ है, ये देखो ये फर्स्ट बॉडी का डिस्टेंस है, ये सेकेंड बॉडी का डिस्टेंस है, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल, सॉल्व कर लो, यू वन यू टू का रेशियो आ गया, आंसर आ गया। ठीक है यहां तक?
अगली बार टेस्ट होगा 10 मिनट का, 4 क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट में से चेंज करके वैल्यूज, ये तो पक्का ही आनी चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए, एक तो टॉप ऑफ द टावर वाला और एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ये तो कम से कम मिनिमम है। अब एनसीईआरटी का टेस्ट कैसे लेंगे, ऐसे ही लेंगे, इकट्ठा लेंगे तो इतने आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, पहले थोड़ा लेंगे फिर थोड़ा लेंगे फिर बड़ा लेंगे, पर इस असाइनमेंट को ट्राई करके आना है आपने। अब तो आ गई, अब तो होगी तैयारी, कितनों का ये क्वेश्चन हो गया, हो गया। जब एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है तो बोलो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो कैसे होती है, तो प्रोजेक्टाइल राम रेस्ट पे बैठ जाता है, अच्छा मैं रेस्ट करता हूँ बाद में उतरूंगा, वर्टिकल जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं, तो नेट वेलोसिटी पूछी वी कॉस थीटा होती है। तो आपने कभी नहीं बोलना कि प्रोजेक्टाइल के अंदर जब एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी एट एंगल ऑफ थीटा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होती, ऐसे होता है। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो टॉप की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है, टॉप की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम वी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब ये चली थी तो वेलोसिटी वी थी, तो काइनेटिक क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लो, जरा चेक कर लो, आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा से थीटा आ जाएगा। किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि ये मैंने ठीक नहीं किया, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिया, जबकि काइनेटिक एनर्जी दो दो थी, एक्स के अलोंग भी थी और वाई के अलोंग भी थी, ऐसा कुछ आप मैंने रिजल्टेंट के साथ कर लिया, ऐसा कुछ। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो कंपोनेंट देखती ही नहीं है, वो तो बस बोलती है मेरे को टोटल बता दो वेलोसिटी वी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या तो उसका एक्स और क्या तो उसका वाई, हम एनर्जीज को कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर है ही नहीं। तो वेक्टर में तो सब खुश हैं क्योंकि वेक्टर में ये नहीं पूछा जाता कहाँ है एनर्जी, वेक्टर में ये पूछा जाता है भाई जब ये चली थी तो मास बता दे, जब ये चली थी तो मुझे डायग्राम तो दिखा मत, वेलोसिटी बता दे, मैंने कहा वी, तो कहता हाफ एम वी स्क्वायर, ये मत बता कि एक्स में थी कि वाई में थी, उस पॉइंट की एनर्जी थी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर में तो हर कोई खुश है करके, स्केलर में तो क्योंकि डायग्राम ही नहीं बनते, स्केलर में ना कोई वेक्टर बने ना कॉम्पोनेंट बने कुछ भी ना बने, सीधा एनर्जी की एनर्जी आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, इसलिए ज़्यादातर क्वांटिटी आपको ना वेक्टर ज़्यादा दिखेंगी इसमें, और वेक्टर के अंदर आपको पता ही है फिर वेक्टर हर जगह काम आना ही आना है। वेक्टर पता है क्यों दिखेंगी, क्योंकि एक चीज़ अभी आने वाली है, अगला चैप्टर हमारा वही है जो हर जगह अपना रोल प्ले करेगा जब तक फिजिक्स चल रही है, रोज आएगा, और वह है न्यूटन फोर्स, क्योंकि फोर्स आने वाली है, बिना फोर्स के तो कोई बॉडी मूव कर ही नहीं सकती, और हमने मूविंग बॉडीज पे पूरे 2 साल काम करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटोन है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे प्लेन है, फोर्स इज अ वेक्टर, तो वेक्टर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फोर्स के साथ अटैच हो ही जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व, कितना आ रहा है कॉस थीटा, तो √3/2 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, कितने लोगों का हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया 147 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बी 45। कितने लोग ये कहते हैं कि ये हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट, हो सकता है ये कि नहीं हो सकता, क्या ये पॉइंट टॉप मोस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ या ना, ऐसा क्यों, तुम्हें क्यों हो भी सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ओके इसने कहा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ इसका, ओके अच्छा ऐसा समझते हैं, जब ये प्रोजेक्टाइल चला था है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर टेंजेंट था 60 डिग्री पे, ये टेंजेंट 60 डिग्री पे था, अगले इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कम हो गया, स्लोप टेढ़ी होगी ना, कम हो गई और कम हो गया, 45 डिग्री हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बिल्कुल फ्लैट हो गया, फ्लैट होने का मतलब एंगल जीरो होना। तो क्वेश्चन आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाता है, जीरो, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट हर हालत में नहीं हो सकता, 60 50 45 40 करते करते जीरो, ऐसे टेंजेंट जाएंगे। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, इसलिए मैंने कहीं यहाँ कहीं बनाया, और मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ
कि आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय के बाद ये वेलोसिटी वेक्टर 60 पे चला था, कितने समय के बाद ये वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री पे एंगल बनाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, 45 डिग्री पे ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू तो मुझे पता ही है क्या है, जो शुरू में है वही यहाँ पर है। शुरू में कितनी है, 147 cos 60, अब भी कितनी है, 147 cos 60, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। कोई डाउट इसमें? अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बोलो, वर्टिकल कंपोनेंट सेम नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। या मुझे ये बताएं, अगर मुझे वी वाई निकालना है तो मेरे पास कम से कम एक तरीका तो है ही, क्यों ना मैं वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 147 साइन 60, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वी वाई। इनिशियल बताए वाई एक्सिस की, फाइनल बताए वाई एक्सिस की, टाइम यहाँ से यहाँ कितना है, टी, तो आप क्यों ना लगा दें वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी इंटू टी, तो वी एक्स वी वाई भी आ गया। अब मुझे ये पता है कि इस पॉइंट पर मैंने वी वाई निकाल दिया, वी एक्स निकाल दिया, और ये मेरी नेट वेलोसिटी है जिसका एंगल 45 है, तो अगर ये वी वाई है तो ये भी वी वाई है, तो ये वी वाई है, ये वी एक्स है, तो टेन ऑफ 45 विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। टेन 45 वन है तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब आपको वी एक्स की वैल्यू तो पता ही रही, आपको वी वाई की वैल्यू ये आपने निकाल ली ये रही, तो ये देखो टेन 45 ये रहा 1, तो वी एक्स वी वाई के इक्वल है, तो वी वाई तो आपने ये निकाला हुआ है, पुट कर दिया, वी एक्स की वैल्यू वही सेम रहेगी 147 cos ऑफ 60, इक्वेट करें टाइम निकाल लिया आंसर, तो आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के वी वाई निकाल लिया, वी एक्स तो सेम रख लिया, टेन 45 की वजह से वी वाई वी एक्स की वैल्यू सेम कर दी, और सॉल्व करके आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई।